जय मसीह के दोस्तों, आज के स्वर्गीय मन्ना का भाग हमने लिया है गलतियों की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय और उसका 20वां वचन। वचन ये है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित नहीं रहा परंतु मसीह मुझ में जीवित है, और अब मैं जो शरीर में जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र में है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरे पवित्र सामर्थ्य वचन में अद्भुत शिफा है, अद्भुत ज्ञान है परमेश्वर। तेरा वचन हमें बताता है कि हमें किस तरीके से जीना है। दोनों धन्यवाद पिता परमेश्वर। दोस्तों, ये वचन क्या कहता है? ये वचन हमें बताता है, और पौलुस हमें बताता है, अपनी गवाही देता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। मैं जो जीवित हूं, मैं जीवित नहीं हूं। कौन जीवित है मुझ में? मसीह जीवित है, क्योंकि पुराना मनुष्य तो मेरा मर चुका है, पुराना स्वभाव मेरा मर चुका है। अब मैं पुराने स्वभाव के साथ नहीं हूं, अब मैं पुराने मनुष्य के साथ नहीं हूं। मेरे साथ कौन है? यीशु मसीह। हमारी पहचान कौन है? यीशु मसीह। मेरा अस्तित्व कौन है? यीशु मसीह। मेरा नाम कौन है? मसीह। हालेलुया। इसलिए मसीह जीवन की परिभाषा क्या है? विश्वास के संग यीशु मसीह का आपके अंदर रहना, ये असली जीवन है, ये असली मसीह जीवन है जो हम बिताते हैं। इसलिए हम बहुत जरूरी है कि हम अपने विश्वास को समझें, और हम उस विश्वास में आने से पहले अपने पुराने मनुष्यत्व को निकाल दें। पूरी गहरी भावना से हम ये एहसास करें, महसूस करें कि हमारे अंदर जो पापी स्वभाव है, हमारे अंदर जो पापी मनुष्यत्व है, वो पूरी तरीके से गाढ़ा जाए। दोस्तों, यहां पर एक शब्द आता है बपतिस्मा, जिसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं कि बपतिस्मा का मतलब क्या है? गाढ़ा जाना। हालेलुया। परमेश्वर गाढ़ता है, लेकिन मरना किसे है? हमें मरना है, हमें मरना है, हमारे पुराने मनुष्य के साथ हमें पूरी तरीके से मरना है, गहरी भावना से मरना है, स्वभाव को मारना है, और उसके बाद हमें बपतिस्मे में अपने आप को गाड़ना है। तब हम नया जीवन पाएंगे, तब हम उसकी आत्मा को अपने अंदर पाएंगे, तब हमारे अंदर मसीह का मन होगा, तब हम एक नया जीवन, एक नई सृष्टि में आ जाएंगे। हालेलुया। लेकिन होता क्या है मेरे भाई, कि हम आजकल जब बपतिस्मा लेते हैं तो हम अपने पुराने मनुष्य को मारते ही नहीं है, हम अपने पुराने मनुष्यत्व को, अपने स्वभाव को मारते ही नहीं हैं, और हम गाढ़े जाते हैं, और जब हम गाढ़े जाते हैं तो पूरी तरीके से हम नई सृष्टि में नहीं आ पाते परमेश्वर, और इसीलिए कई लोग वापस चले जाते हैं, बैकस्लाइड हो जाते हैं, प्रेज द लॉर्ड, मसीह से दूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बपतिस्मे में अपने पुराने मनुष्य को मारा ही नहीं है, पुराने स्वभाव को गाढ़ा ही नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बाइबल यहां कहती है, पौलुस कहता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर गाड़ा गया हूं। कितनी अद्भुत गवाही है। क्या आप ऐसा सोचते हैं? क्या आप ऐसा सोचते हैं कि मैं मसीह के साथ गाड़ा जा चुका हूं? मुझ में कौन है मसीह। इसलिए मुझे आत्मा में अपने आप को देखना है कि मेरी आत्मा सुदृढ़ हो, मेरी आत्मा शक्तिशाली हो, मेरी आत्मा के साथ मुझे जीवन को बिताना है। इसलिए दूसरा कुरिन्थियन 5:16, आइए मैं आपके लिए पढ़ता हूं। इसलिए अब से हम किसी मनुष्य को शरीर के अनुसार नहीं समझेंगे, यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना है, तथापि अब से हम उसे ऐसा नहीं जानते। हालेलुया। दोस्तों, हम कलीसियाओं में देखते हैं, हम एक दूसरे से अब भी ईर्ष्या करते हैं, हम उसके स्वभाव को देखते हैं कि वो आता है, वो आलसी है भाई, वो आलसी है बहन, वो अभी भी ईर्ष्या करती है बहन। हालेलुया। हमें अपने मसीह भाई बहनों को आत्मा में देखना है, शरीर में नहीं देखना है। उनके अंदर आत्मा जिंदा है, उनकी नई सृष्टि कौन है? आत्मा के द्वारा। हमें एक दूसरे को आत्मिक रूप में देखना है, हमें आत्मिक जीवन जीना है, शारीरिक जीवन नहीं जीना है, क्योंकि ये शरीर तो मर चुका है, ये शरीर तो यीशु मसीह के क्रूस के मर चुका है। हालेलुया। मसीह को भी फारसियों ने एक शरीर के रूप में जाना, चेलों ने भी यीशु मसीह को शरीर के रूप में जाना, इसलिए विश्वास नहीं कर पाए, और क्रूस पर सब लोग, सारे चेले छोड़ के भाग गए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हमें यीशु मसीह को भी आत्मा के रूप में देखना है। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है हमें पूरी तरीके से परमेश्वर में जुड़े रहना है। जब हम जुड़े रहेंगे मेरी भाई मेरी बहन, तभी हम आशीष पाएंगे। जब हम आत्मा में अपने आप को महसूस करेंगे, जब हम नई सृष्टि में अपने आप को पाएंगे, तो ही हम उसके सामर्थ्य को जान पाएंगे, तभी हम उसके सामर्थ्य को महसूस कर पाएंगे, और उसके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा हम चल पाएंगे। हालेलुया। इसलिए यूहन्ना 15:4-5 क्या कहता है? कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में।
जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो फल नहीं सकते। इसका पांचवा है, मैं दाखलता हूं और तुम डालिया, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मसीह से अलग होकर हम कुछ नहीं, हमारी कोई पहचान नहीं है, हमारी पहचान मसीह है, हमारी पहचान उसका नाम है, हम में कौन है, मसीह है। इसलिए दोस्तों इस आत्मा को, इस विचार को, इस स्वभाव को हम पूरी तरीके से अपने बसा लें और मसीह बनकर मसीह जीवन जिए। हालेलुया, आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ हर सुनने वाले, देखने वाले हर भाई बहन के लिए, आशीष सुख और चंगाई मांगता हूँ, ताकि हम आत्मिक जीवन जिए और आत्मा में रहते हुए अपने सामर्थ्य को जाने, अपनी शक्ति को जाने, अपनी पहचान को जाने, जो हमारी पहचान यीशु मसीह है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमेन।